अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक, राइनोसिन पी नेजल स्प्रे। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग, इसके ऊपर फ्लावर्स आप लोगों को क्या इंडिकेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये फ्लावर्स इंडिकेशन है कि ये एलर्जिक सीजनल वेरिएशन के लिए है, ठीक है। नेजल स्प्रे है, इसमें निफेदोलिन फिट्रीनेटसियल है, एंटी एलर्जिक हैं, और इसके अलावा प्रेडनिसोलोन एसीटेट है जो कि स्टीरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये 15 ml की पैकिंग में है, शेजो लैब की है, फास्ट एक्टिंग एंटी एलर्जिक और डीकंजेस्टेंट है। एंटी एलर्जिक मीन्स कि आपको सीजनल वेरिएशन की वजह से, अभी जैसे करंटली वेदर चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, मतलब विंटर वाइब स्टार्ट हो गई हैं, उसकी वजह से आपका नाक बंद हो जाता है, आपको नज़ला ज़ुकाम छींके इस तरह की कंडीशन होती है, एलर्जिक में आ जाएगी। डीकंजेस्टेंट का मतलब है अगर आपका नाक बंद हो गया बुरी तरह से, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है सोते हुए में, जागते हुए में, स्पेशली जब आप लेइंग पोजिशन में होते हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। उस कंडीशन में ये बहुत ही यूज़फुल नेजल स्प्रे। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शंस फॉर यूज़ के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, आपने इंटरनल यूज़ नहीं करना। और ये नेज़ल स्प्रे है, आपने इसको माउथ से बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। आप या आपके घर में जो भी यूज़ करें, इसको आपने माउथ से नहीं लेना, नोज़ के थ्रू लेना है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, मतलब नाक के ज़रिए इसको अपने स्प्रे को लेना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या अपने फार्मासिस्ट की सजेशन के बगैर जो है इसको यूज़ ना करें। अब आते हैं इसके यूज़ की तरफ। में आप में को जो है इसमें से जो बॉटल है ड्रॉप टाइप स्प्रे के लिए जो है वो दिखाती हूँ, पैकिंग में से निकाल के कैसे इसको यूज़ करना है। देखें आप सब देख सकते हैं ये इस फॉर्म में है, जो इसकी आउटर पैकिंग आपने पहले देखी, और ये जो इंटरनल जो सारी स्प्रे है ये इस तरह की बोतल में होगी। आपने जो है इसके कैप को ओपन करना है, परचेज से पहले आपने श्योर कर लेना है कि इसका जो कैप है वो कम्प्लीटली सील्ड हो बोतल के साथ, ओपन फॉर्म में ना हो। आप देख सकते हैं ये सील पैक है, अभी इसको ओपन करूँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह बोतल फॉर्म में है, ये इसके अबव साइड के ऊपर जो है नोज़ल है, इधर से आपने ये नोज़ल है इसकी, ठीक है। इधर से आपने ड्रॉप्स 1 to 2 ड्रॉप्स या जितने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, आपने नोस्ट्रल में इधर से ड्रॉप को पोर करना है, इसको बिल्कुल जो है अपवर्ड पोजीशन में रखना है, अदरवाइज़ जो है लिक्विड फॉर्म में है, इट विल मतलब ये जो है इस तरह निकल जाएगी। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में, इस तरह आपने नोज़ में रखे, इस तरह जो है 1 से 2 ड्रॉप, अभी आपने क्लियरली देखा होगा, इंसर्ट करके कैप को अगेन जो है टाइट, इसको जो है टाइटली क्लोज कर देना है अगेन यूज़ के लिए, ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। इसको आपने हीट और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी लाइट से अवे रखना है, और हर दफ़ा यूज़ के बाद अच्छी तरह इसको जो है इसके कैप को बंद कर देना, इसको अपवर्ड पोजिशन में ही रखें, लिक्विड फॉर्म में आइए। और इसको जो है मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये राइनोसिन पी स्प्रे, जो शेजो कंपनी की एक बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। बेसिकली कुछ पेशेंट्स को जो है स्पूटम लाइक जो रेशिया टाइप हो जाता है ना, उन्हें लगता है कि पीछे मतलब जम सा गया है थ्रोट की पिछली साइड पे, इरिटेट करता है वो, कितना ही पुराना क्यों ना, कि उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये जो है राइनोसिन पी नेजल स्प्रे का। एक शॉर्ट सा मैंने व्यू दिया है, जिसमें तक आप सबका भी टाइम वेस्ट ना हो, और आप इजीली इसके जो है यूज़, डायरेक्शन फॉर यूज़ और प्रिकॉशन सब कुछ जो है इसमें देख सकते हैं, और इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।